नहीं करना, मर जाएंगे आर्टिस्ट वरना। इसलिए प्यार कभी कम मत करना, प्यार करते रहो। प्यार है तो हम है, प्यार है तो राखी सावंत है। All the best. Thank you sir. Thank you Bhavna. Thank you Alok. It was indeed a beautiful song. आप दोनों please हमारे साथ बने रहिए क्योंकि awards अभी खत्म नहीं हुए हैं. Expendables. हाँ अतीक राजू. अतीक जी स्पेशली गुजरात से आए हैं यहाँ पर. थैंक यू अतीक इतनी दूर से आने के लिए. इसके अलावा एक्सपेंडेबल की जूरी भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो आई वुड कॉल अपॉन नीलिमा जोयता जी, सोनू साराबंदी जी एंड पवनाथ चावला. प्लीज जो लोग भी यहाँ पर आ जाइए. सुनो तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? प्लीज नीलिमा, ये वो जूरी है जो डिसाइड करती है एक्सपेंडेबल्स में किसको अवार्ड मिलना चाहिए. सो आई थिंक बहुत टफ जॉब है इनका. सोनू के साथ पिक्चर ऐसे क्लिक करवा रहे कि उसको पकड़ के खड़े रहेंगे, जाने नहीं देंगे. सोनू कहीं नहीं भागेगा, जरूर गाना सुनाएगा. तुम्हें की बोलती चाहो गान गा केरला केरला मलयालम, तो एक मलयालम गाना हो जाए आपको ममूटी की कसम. But thank you so much. Thank you so much for this honor, and I think we should thank Ritesh for you know, organizing Expendables, creating Expendables. It is such a great initiative platform. आप लोग सबको पता नहीं होगा, but आप लोग सबके बारे में चर्चाएँ होती है. Films आते हैं तो उनके बारे में discussions होते हैं, आपके बारे में discussions होता है. तो this is a platform where we discuss a lot of stuff about media related personalities. So all congrats to you know, all praises should go to Ritesh. जूरी आई लव यू. आई विल सिंग समथिंग दैट्स इन माय, अभी मैं सुन ही रहा था, मतलब टीवी पे प्ले हो रहा था, तो आई विल जस्ट सिंग दैट. La 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 la, tune mujhe pehchana nahi, jana main koi anjana nahi, aashiq hu main tere naam ka, deewana hu main deewana nahi. बेस्ट इवेंट मैनेजर तौहिद खान, बेस्ट हॉस्पिटैलिटी रवि सिब्बल जी फ्रॉम पीवीआर. थैंक यू सदा. आप जय सदा के लिए आशीर्वाद दो कि ये सदा खुश रहे, सदा सुखी रहे, सदा स्वागत. सॉरी अभी तो नहीं सर. मैं अपने पूरी मीडिया टीम के लिए बस इतना कहना चाहूंगी, जो क्योंकि आरजे हो तो बोले बिना तो मैं रहूंगी नहीं, इसलिए मैं बोलना चाहूंगी मुंबई के लोग हैं सब, कि तेरे सड़कों पे सोए तेरी बारिश में नहाए, तुझे मुंबई फिर भी हम सीने से लगाए. थैंक यू सो मच स्पेशली रितेश, थैंक यू सो मच. देखिए आरजे और पत्रकार बनने का सबसे पहला अधिकार महिलाओं को है, क्योंकि बंद कमरे में बिना किसी मतलब के पूरा दिन भर बात करना, ये आरजे महिला का ही काम हो सकता है. और पत्रकार, एक औरत को आप बता दो, सुनो
मैंने ऐसा ऐसा किया, किसी को बताना मत, उसके बाद पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा। तो ये हमारी महिलाओं की ताकत है कि पत्रकार जो है सबसे पहले अगर अधिकार किसी का है तो महिलाओं का है। और आरजेएस तो अपने माँ बाप को भी ऐसे मिलाते कि ये मेरे एफएम है, फादर मदर। तो और तो बात है रवि सिब्बल जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एक्सपेंडेबल्स ऑल द टाइम। किस कैमरे पर रवि जी, इन्होंने एक्सपेंडेबल्स को हमेशा बहुत सपोर्ट किया है, इनके बिना शायद ये इवेंट अधूरा होता। अच्छा, और रितेश ने स्पेशली मेंशन किया है कि प्रेशर टाइम पहले बताते हैं, पीआर बाद में इनवाइट भेजता है, सो थैंक्स। At the onset, I would really like to thank Ritesh first, you know, for making me a part of this wonderful group. I mean, I really can't say for the great work what you guys do. I'm a mere small person taking care of a cinema here. And of course, giving maximum support to the Ritesh as well as the entire Expandable group. But I can only say that thank you so much for making me a part of this wonderful group, Ritesh, and I can't thank you enough. And the only thing that I can assure you is I can give my utmost support in whichever way I can, and I will do it till the end. Thank you. Thank you so much, and thank you, Sunil ji. Sunil's scared. Okay, बहुत excitement दिखाओ, and it's just not just for guys, it's for girls also. So जिन लड़कियों को, I think लड़कियों को cricket ज़्यादा पसंद है, लड़कों को नहीं. Very nice, Monica. I want you to see. Yes. You'll come on the ground, right? Yeah. Okay. Cool. I'll see you there then. और इसके लिए एक special T-shirt भी बनवाई है रितेश ने. हम सचिन जी को बुलाना चाहेंगे. वो T-shirt launch करने के लिए. सचिन. रितेश, please come. बोला कैसा भी था. Light दे दो यार. हमारे जितने भी एक्सपेंडेबल के टीम मेंबर्स होंगे जो क्रिकेट खेलने आएंगे उनको स्पेशली ये टी-शर्ट दी जाएगी। सो जिसको क्रिकेट पसंद है वो क्रिकेट के लिए आ सकता है, नहीं तो टी-शर्ट के लिए आ सकते हो। ओके, सो इट्स गाइस, पसंद आया टी-शर्ट? क्रिकेट खेलने आओगे? Also, we have a beautiful calendar for Expandables for the very first time. So guys, are you excited to see the calendar? Expandable calendars. किसको पता है कौन कौन उस कैलेंडर पे फीचर हो रहा है? मुझे पता था आपको ये जरूर पता होगा क्योंकि एक्सक्लूसिवली एक्सपेंडेबल ग्रुप के लिए है। कोई है जिसको पता हो, जिसने अपनी पिक्चर्स देखी हो कैलेंडर पे? सो आई थिंक दिस इज इवन अ बिगर सरप्राइज। मैं फ्लैट 211 की पूरी टीम को यहाँ बुलाना चाहूंगी टू अनवेल आवर कैलेंडर। Guys, come on, are you excited? Yo! To see yourself as a celebrity in a calendar? Ooh, that's our group picture. और ये कैलेंडर इस महीने डिजिटल पे भी आ जाएगा, सो ऑल यू गाइस कैन डाउनलोड योर पिक्चर्स, कैन कीप इट एज योर डेस्कटॉप, योर वॉलपेपर्स एंड फ्लॉन्ट इट। सब लोग हैं। थैंक यू सुनील स्क्वायर एंड थैंक यू सो मच गाइस। थैंक गॉड माइक आपके हाथ में नहीं है। गाय को नेचुरल एनिमल बना रहे हैं। हां, मोर बेचारा नो मोर।
And with this, I want team to please stay there and people can ask questions. Thank you so much, Sunil ji. Finally, 2 June, बस I think hardly 3 घंटे में आ जाएगा, फिर morning से shows भी आपके शुरू हो जाएंगे। ये इस दिन का कितना इंतजार था उस दिन से जब पहला शॉट आपने लिया था? अभी तो मेरी सांसें नहीं है, वो रुक रही हैं, बढ़ती जा रही है धड़कने, तेज बढ़ती जा रही हैं। तो वो ये धड़कन जो है वो उस दिन शुरू हुई जिस दिन इस फिल्म का सोचना शुरू किया था, और वो आज धड़कन इतनी तेज हो गई कि ऐसा लग रहा है शायद मेरा दिल बाहर आ जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट था इस दिन के लिए। सो आई एम रियली रियली वेरी एक्साइटेड, नॉट ओनली मी, माय होल टीम, एवरीवन हैज वर्क्ड सो हार्ड ऑन दिस, एवरीवन वाज वेटिंग फॉर दिस एंड फाइनली इट हैज कम। एंड ये जुम्मा कितना खास होने वाला है, किस तरीके से फ्राइडे के दिन आप और पूरी स्टार कास्ट शहर में या कहाँ कहाँ फिल्म देखने वाले? जुम्मा तो बहुत स्पेशल है, खासकर शहर रमजान का भी महीना है जी, पहला और एग्जैक्टली तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है हमारे लिए। तो हमारी टीम जहाँ जहाँ अपने अपने लेवल पे, जहाँ जहाँ पे प्रमोशन हो रहा है हर जगह पे, अपने लेवल पे हर जगह कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ इनको मौका मिलेगा वहाँ प्रमोशन जरूर करेंगे। एंड ये फ्लैट जब आपने स्टोरी की शुरुआत की थी तब से लेकर के जब स्ट्रक्चर तैयार हुआ, फिल्म पूरी शूट हुई, ये फ्लैट कितना बड़ा हो गया 211 का, जरा इसके बारे में बताएं। ये काफ़ी बड़ा हो गया है, जब हमने शुरू किया था तो बहुत छोटा सा था, शायद कुछ 700 स्क्वायर फीट का था। तो अभी ये इतना बड़ा हो गया है कि शायद इसमें मुझे लगता है कि जगह कम पड़ रही है हम सब के लिए। टीम बढ़ते ग्रो करते जा रहे हैं, तो इट्स हैड बिकम रियली बिग फॉर अस ऑनेस्टली। सर इस स्टोरी का नीव कैसे बना था, कुछ एनीथिंग दैट यू वुड लाइक? काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। ये मेरे फ्रेंड रवि कायवाल जिन्होंने मिलके, हम दोनों ने मिलके इस फ्लैट की नींव रखी थी। एक्चुअली शायद मैंने पहले भी जिक्र किया कि मैं आईटी जॉब करता था जब मैंने ये फिल्म शुरू करी थी, और जब शूट खत्म होते तक मैंने पूरी फिल्म वाइल डूइंग जॉब शूट किया था मैंने। तो जब हम किसी फिल्म के बारे में सोच रहे थे कुछ बनाया जाए, तो कोई ऐसा कंसेप्ट चाहिए था जो हमारे स्केड्यूल के साथ मैच करें। तो नॉर्मली क्या था कि हमें जॉब ही करना था 9 to 6, और हमारा शूट टाइम रात को 7 से सुबह 3 तक या वीकेंड्स पे होता था। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी कि हम कुछ बाहर जाके शूट करें, आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ किसी स्टेट जाके या कुछ भी। तो उस पॉइंट ऑफ से जब हमने सोचना शुरू किया मैंने और रवि ने, तो एक ऐसा कंसेप्ट था हमने सोचा जो फ्लैट के अंदर शूट कर सके, हम हमारे लिमिटेड जो स्केड्यूल है उसके हिसाब से। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू किया, और पिछले 10-15 साल से हम पता नहीं कितने फ्लैट्स में रह चुके हैं, तो हर फ्लैट की कोई ना कोई कहानी होती है। तो हमने सोचा हम भी अपने फ्लैट की कहानी बनाते हैं जो कि वर्ल्ड फेमस हो जाए। तो दोनों ने मिलकर हमने वो एक फ्लैट के जो एक्सपीरियंसेस बोल सकते हैं या इंसिडेंट्स जो सराउंडिंग हमारे होते हैं, उसको एक फिक्शनाइज किया और उसको एक मोड दिया इस फ्लैट 211 की फिल्म के रूप में। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मेरा फ्लैट है जो दुबई में था। ये एक्चुअली मेरा ही फ्लैट है। उसके पीछे रीज़न ये था कि हमें कोई ऐसा टाइटल चाहिए था जिससे स्टोरी के बारे में कुछ पता ना चले, और मोस्टली जैसे कंसेप्ट जो था एक फ्लैट के सराउंडिंग ही रिवॉल्व करता है, पूरा इंडोर है मोस्टली। तो एक ऐप था, एक मुझे रियल एस्टेट लोकेशन भी मिल रहा खुद का फ्लैट, और मेरा पैसा भी बच रहा था। हाय सर, प्रियंका हियर फ्रॉम इंडिया फोरम्स। सर आपने रिसेंटली आर्टिकल 370 के बारे में जो है कमेंट किया है, एज यू हैव आल्सो ग्रोन अप इन जम्मू एंड कश्मीर, वुड यू लाइक टू एलैबोरेट ऑन दैट? या वहाँ पे जो पला बड़ा हूँ मैं, मेरी पूरी पैदाइश एजुकेशन सब वहीं से शुरुआत हुई है। आर्टिकल 370 थोड़ा पॉलिटिकल लेवल में थोड़ा पर्सनल बोलना चाहूँगा, एज ए पर्सन एज ए बी एज माई एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छा नहीं है स्टेट के लिए। मैं खुद वहाँ पे रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर शायद ये मेरी स्टेट जो है जम्मू कश्मीर बाकी मेट्रो सिटी की तरह डेवलप होती, अगर ये शायद 370 नहीं होता। एक टाइम मैं बोलूँगा जब ये बनाया गया था शायद उस टाइम पे इसकी ज़रूरत थी 370 की, मे बी दैट टाइम इट वॉज़ द राइट डिसीजन। बट अभी वर्ल्ड जो पूरा चेंज हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया आगे जा रही है, तो आई थिंक कि हमें भी हमारी स्टेट को भी आगे आना चाहिए। क्योंकि जब मैं बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक अलग दुनिया में आ गया हूँ। तो जम्मू कश्मीर की जो स्टेट में मेरी लाइफ देयर वाज कम्प्लीटली डिफरेंट कम्पेयर टू अदर स्टेट्स आउटसाइड।
तो कहीं ना कहीं दुख होता है कि बहुत से जो मेरे फ्रेंड्स बोल रही है जो आने वाली जनरेशन है उनको शायद वो अपॉर्चुनिटीज एक्सपोजर नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस हैं बाहर से आके कोई भी कंपनी वहाँ पे आप सेटअप नहीं कर सकते या बाहर के लोग आके ज़मीन नहीं खरीद सकते जिसकी वजह से इंडस्ट्री जो बहुत है ही नहीं निग्लिजिबल है तो कभी लगता है कि यार हमारे स्टेट में भी MNCs होती तो शायद बहुत से लोगों को रोज़गार मिलते एक्सपोजर मिलता सोच डेवलप होती ग्रो करते बाहर जाने की जरूरत ना पड़ती तो डेफिनेटली ये मेरा पर्सनल व्यू है उसके ऊपर। सर मेरा सवाल आपसे है जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने एक कविता पढ़ी जिसके अंदर बहुत सारे जो फिल्में रिलीज हो रही है इस फ्राइडे को तो इस कंपटीशन को आप कैसे लेते हैं क्योंकि कम से कम 6 से 7 फिल्में रिलीज होने वाली है इस फ्राइडे को। 7 नहीं शायद 10 है। अब देखो आप कभी कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं जब कुछ भी बनाते हो तो हम ये सोच के तो नहीं चलते कि हमारे अगल बगल कितना बन रहा है हमारे अपने प्रोडक्ट को हम कितना अच्छा बना सकते हैं और उसको कितना रिफाइन कर सकते हैं ताकि लोग उसको भी उस प्रोडक्ट को भी खरीदें या उसको देखें तो डेफिनेटली हमारी जो क्वालिटी है कंटेंट है फिल्म का जो कंटेंट है जब म्यूज़िक ले लीजिए जो हमारी USP जो है मेनली जो कंटेंट और USP है तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो डेफिनेटली मुझे पूरा भरोसा है कि हम ये तूफान भी पार कर लेंगे। पूरी टीम में सिर्फ 2 महिलाएं हैं सो आई वुड लाइक टू नो योर एक्सपीरियंसेस हाउ हैज इट बीन वर्किंग इन द फिल्म इफ यू कुड जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड देन। हाय माय नेम इज एलिना एंड आई वोंट टेल यू नाउ व्हाट आई डिड इन द मूवी यू विल जस्ट कम टू नो बट यू हैव टू वेट अ लिटिल बिट फॉर दिस दैट एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम बाय द वे नाउ इट्स लाइक 1 ईयर नाउ बट या इट वाज इट्स लाइक वेरी वेरी आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दिस टाइम। Oh yeah, by the way. So my name is Elena. I'm from Armenia. It's close to Georgia and Greece, and I'm brought up in Russia. Yeah. Hi, my name is Preeti Chavla, and me and my partner, we both is like Sanjay Ji ne bhi bola, pura secret to hum log abhi kuch bhi nahi bata sakte hain. But hum log happy isliye hain ki jo hum log ka song hai, wo puri movie bata deta hai. सो और इसका एक्सपीरियंस हम लोग को बहुत बहुत अच्छा लगा बिकॉज दिस इज़ वेरी यूनिक एंड वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट और जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो डिफरेंट क्या है थिंग जिसके बारे में बात कर रही हूँ। वैसे आई वॉन्ट एवरी वन टू इंट्रोड्यूस अ बिट अबाउट यू जस्ट टेल अस एग्जैक्टली योर एक्सपीरियंस। Hello everyone, this is Suryan Kohli. I met Sunil around like last year in April. We had discussions about this film and everything and then I started shooting for this film. And it was a great experience. I'm playing a own badass cop in this movie. So rest, I'm not gonna declare now. So you will watch and you'll come to know. Thank you. Hi, my name is Ishan and yeah, Jessica Vipriti, we both are a part of a title track of the movie Flat 211. So yeah, obviously it's like a very nice experience because the song is very different. Jaise ki movie ka naam hai Flat 211, jaise ki abhi aap sab pooch bhi rahe hain Sunil ji se ki secret kya hai, suspense kya hai, to wo movie dekhne ke baad hi pata chal sakta hai. Hi, good evening everybody. My name is Samir. And I'm proud to be associated with this project as a co-producer. And I'm really thrilled and excited to see the audience reaction right now because I've been really nervous all this month. And right now is the result time, so I'm looking forward to it. Thank you. Hello, good evening, everybody. My name is Prakash Prabhakar. This film ke sare gaane maine hi compose kiye. Thanks to Sunil bhai. सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है यानी इसके लिए मैं सब जितने भी मेरे फैंस हैं और जितने भी जिन जो सुनने वाले हैं उनको मैं बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ दिल से। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग, मेरा नाम तनवीर गाजी है, मैंने लिरिक्स लिखी है सभी गाने, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छे कंपोज किया प्रकाश ने और ख़ास बात यह है कि अलग अलग तरह के गाने बहुत कम होता है कि एक फिल्म में आप कई तरह के फ्लेवर दे पाएँ तो ये मुझे बड़ा अच्छा मौका था। प्रकाश मेरे बरसों पुराने दोस्त हैं,
कई 20 साल पुराना रिश्ता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इस फिल्म से जुड़कर, और सुनील भाई का जो डेडिकेशन है ये देखकर बड़ा इम्प्रेस हुआ, तो मुझे लगा कि इस फिल्म से जुड़ना चाहिए और गाने लिख के और सबको अच्छे लग रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात। थैंक यू वेरी मच। हाय गुड इवनिंग, मेरा नाम रवि कैवर्त है, मैं दुबई का रहने वाला हूँ, और मैं और सुनील हम लोगों ने फिल्म स्कूल में साथ में ही पढ़ाई की। वैसे बचपन से मुझे लिखाई मतलब स्टोरी राइटिंग, और हर्षदीप कौर उनका एक ट्रैक है, उसके बाद में मोहम्मद इरफान जी का है, और भाई एशकिंग मैंने जो गाना गाया है वो सैड क्या बोलते हैं मोटिवेशनल सॉन्ग है। एक दिन चलेगी साली, एक दिन चलेगी साली, तकदीर बंद घड़ी है, एक दिन चलेगी साली, हो एक दिन चलेगी साली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, मैं तनवीर गाजी, और मैंने फ्लैट टू बंधन के सब गाने लिखे हैं। आपने सारे गाने लिखे जी? आज प्रीमियर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बड़ा, और गाने की पहले ही बहुत तारीफें हो रही हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि मूवी भी कामयाब होगी, जिस तरह गानों को पसंद किया जा रहा है वैसे फिल्मों फिल्म को भी पसंद किया जाएगा।